हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए क्लास फोर्थ में कुछ लैब एक्टिविटी लेकर आई हूं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर हमें एमएस पेंट लिखना है सर्च बॉक्स में। जैसे ही हम एमएस लिखते हैं सर्च बॉक्स में तो पेंट ऑप्शन खुल जाता है। इसको हम डबल क्लिक करके ऑप्शन को अप्लाई करते हैं। फिर यहाँ फाइल पर जाके यहाँ प्रैक्टिकल हमने लिख के रखा है, इसे हम ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लैब एक्टिविटी में कंप्यूटर्स में बच्चों को क्या करना है, पहले हम देखेंगे। ड्रॉ द फॉलोइंग पिक्चर, सबसे पहले ये पिक्चर को हमें ड्रॉ करना है, उसके बाद इनसे रिलेटेड ऑप्शंस को अप्लाई करना है। तो चलिए सबसे पहले हम पिक्चर्स को ड्रॉ करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं ये रेक्टेंगल शेप। और इसका कलर हम ले लेते हैं ब्राउन। कलर फर्स्ट हमारा लेफ्ट हो जाता है और कलर सेकंड माउस का राइट क्लिक हम कर सकते हैं। अब हम ये ट्रायंगल शेप लेते हैं और ट्रायंगल को लेने से पहले हम यहाँ पर ग्रीन शेप ले लेते हैं। कलर फर्स्ट में हम लेफ्ट की दबाएंगे माउस से और ये कलर ग्रीन हो जाएगा। फिर हम ये ट्रायंगल पे जाएंगे, यहाँ से ऑप्शंस दिख रहा है शेप ऑप्शन में, यहाँ पर हम ट्रायंगल पर क्लिक करेंगे, ये ट्रायंगल हो गया। वापस फिर हम तीन ट्रायंगल हमें लेना है इसी प्रकार। ये हमें बीचों बीच नहीं हो तो इस तरह का प्लस साइन हो तो इसको हम ड्रैग करके ऊपर नीचे सेट कर सकते हैं। फिर वापस थर्ड ट्रायंगल लेंगे और इसको हम इस तरह ड्रैग करके ले सकते हैं। अब इसे हमें फिल करना है, तो फिल करने के लिए हम यहाँ से टूल्स में फिल बॉक्स पे जाएंगे और कलर फर्स्ट लेकर इसे हम कलर करेंगे। जहां जहां ये ऑप्शन है इसको हम क्लिक कर देते हैं। अब इसके अंदर हमें ये कलर लेना है, तो वापस ब्राउन कलर पे क्लिक करके कलर फर्स्ट में हम ले लेंगे और माउस से राइट क्लिक करके इसको हम कलर कर देंगे। गड़बड़ हो जाए तो कंट्रोल प्लस जेड हम करेंगे और उसे हम ले सकते हैं। फिर वापस यहाँ नहीं दिख रहा है तो कलर ग्रीन से जाके यहाँ पे हम इसको ग्रीन ले लेंगे। तो ये हमारा पेड़ जो है ट्री सेम टू सेम इसके जैसा बन गया है। अब यहाँ से हम इस फंक्शन को रोटेट करके बताने के लिए सबसे पहले सेलेक्ट टूल से जाके इस पहले वाले इमेज को सेलेक्ट करेंगे और कंप्यूटर में कीबोर्ड में जाके डिलीट की से डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पे डिलीट करने से पहले यहाँ पे आपको व्हाइट कलर लेना है और फिर हमें सेलेक्ट करके इसको डिलीट करना है। ये ऑप्शन हमारा डिलीट हो जाता है। अब इसको हमें रोटेट करके आपको बताना है, तो सबसे पहले सेलेक्ट टूल्स पे हम क्लिक करते हैं और रेक्टेंगुलर सेलेक्शन लेते हैं और इस इमेज को हम सेलेक्ट करते हैं। इस इमेज को सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले स्क्यू इट हॉरिजॉन्टली बाय 45। तो सबसे पहले हम रिसाइज पे जाएंगे और स्क्यू ऑप्शन पर, चलिए यहाँ देख लेते हैं, इधर हॉरिजॉन्टली हमें 45 इसे, तो जीरो को हम बैक स्पेस की से डिलीट कर दिए हैं और 45 कीबोर्ड से लिखते हुए इसके बाद इसको हम ओके करेंगे। तो देखिए ये 45 डिग्री मूव कर जाएगा ट्री, इस प्रकार ये हो जाएगा। पहले की स्थिति में लाने के लिए कंट्रोल प्लस हम जेड कर देंगे। वापस नेक्स्ट ऑप्शन नंबर टू, रोटेट इन बाय 90 डिग्री दिखाने के लिए सबसे पहले इस इमेज को हम सेलेक्ट टूल से रेक्टेंगुलर सेलेक्ट टूल से सेलेक्ट करेंगे। अगर हम इस इमेज को सेलेक्ट नहीं करेंगे तो पूरा पेज हमारा मूव होगा, इसीलिए रोटेट बाय 90 डिग्री सेलेक्ट करेंगे पहले इमेज को, फिर रोटेट ऑप्शंस पे जाके हम 90 डिग्री मूव करेंगे। ये हमारा 90 डिग्री मूव हो चुका है। लेफ्ट या राइट दो ऑप्शन यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो हमने लेफ्ट कर दिया। राइट आपको करना है तो राइट हो जाएगा, वापस ये सीधा हो गया, फिर राइट करना है तो इधर मूव हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड है फ्लिप वर्टिकल। फ्लिप वर्टिकल ये ऑप्शन हमारा आ जाता है रोटेट ऑप्शन में ही, क्लिक करके हम देखेंगे तो फ्लिप वर्टिकल करेंगे तो जिस डायरेक्शन में ट्री है उसी डायरेक्शन में थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा।
या सीधा खड़ा रहेगा तो साइड की तरफ मूव हो जाएगा। फिर है रोटेट इट बाय 180 डिग्री, रोटेट पे जाएंगे और 180 डिग्री हम मूव करेंगे तो डायरेक्शन चेंज होकर वापस उधर सीधा हो जाएगा। फिर इसे फ्लिप हॉरिजेंटल करना है तो फ्लिप हॉरिजेंटल करेंगे तो इस तरह हमारा मूवमेंट हो जाएगा। वापस इसको अगर हमको 90 डिग्री करना है तो इस प्रकार हो जाएगा, लेफ्ट में करेंगे तो इस प्रकार हो जाएगा। वापस हम दो बार तीन बार अगर हम राइट करते हैं तो वापस हमारा ये पेड़ सीधा खड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार था ये ऑप्शन क्लास 4 पेंट ब्रश में बच्चों के लिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। साथ ही मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि क्लास 3rd, 4th, 5th के कंप्यूटर लैब के प्रैक्टिकल कैसे किए जाते हैं, उससे रिलेटेड बच्चों को क्या क्वेश्चन करवाए जाते हैं, इसके वीडियो हमने बनाकर डाले हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज एक बार अवश्य देखें। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।